हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेश तहरिया, फिशरीज गजट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज का हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि रोहू मछली के फीडिंग मैनेजमेंट को आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आईएमसी मछली का डिमांड है दोस्तों, वो हमारे ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से मैक्सिमम जो फार्मर है दोस्तों, वो रोहू मछली के खाने के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर रोहू मछली जो जिसका ग्रोथ थोड़ा सा कम रहता है दूसरे मछलियों के मुकाबले, लेकिन इसका प्राइस बहुत बढ़िया रहता है, इस वजह से इस मछली का जो डिमांड है वो बहुत बढ़िया है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। मेनली हम रोहू मछली के फीडिंग बिहेवियर को जानेंगे कि वो किस प्रकार के खाने को अच्छे से खाती है। दूसरा, कितने कितने बायोमास के हिसाब से हम लोग रोहू मछली को फीडिंग कराएंगे। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, कि किस प्रकार से हम लोग रोहू मछली को फीडिंग कराएं ताकि वेस्टेज भी कम हो और तालाब का पानी भी आपका गंदा मत हो। ठीक है, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी इंपॉर्टेंट चीजों को मैं कवर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पॉइंट की आखिर रोहू मछली दोस्तों खाती क्या है। जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग मांस भी खा लेते हैं और हम लोग कभी कभार दाल चावल भी खा लेते हैं, है ना। वैसे ही रोहू मछली दोस्तों जैसे जैसे छोटे से बड़ी होती है, फ्राई साइज में रोहू मछली है वो आपकी फाइटोप्लैंकटन की खाती है। थोड़ा सा फ्राई, जब सेमी फ्राई होती है दोस्तों, तब वो थोड़ा सा जूप्लैंकटन को भी खाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे फिंगरलिंग स्टेज में आती है दोस्तों, आपकी रोहू मछली या तो आपकी सड़ी गली वस्तुओं को भी रोहू मछली खा लेती है, या फिर आपका फाइटोप्लैंकटन को भी खा लेती है, या फिर जूप्लैंकटन को भी खा लेती है। मतलब रोहू मछली फिंगरलिंग स्टेज में दोस्तों सर्वाहारी हो जाती है। उसको आप मांसयुक्त खाना भी खिला सकते हो और उसको आप प्लांट बेस्ड फीड भी खिला सकते हो, वो दोनों को भी अच्छे से खाएगी। लेकिन हम लोग अगर कमर्शियल रूप से कर रहे हैं तो हम लोग जो कंपनी वाली फीड है जिसमें प्लांट बेस्ड फीड है, उसको हम लोग रोहू मछली को खिलाते हैं। मछली दोस्तों तालाब के बॉटम में, मिडिल पार्ट में रहती है, ना कि वो सरफेस में रहती है, ना ही वो तालाब के निचले हिस्से में। इससे होता क्या है, तालाब के बीच में वो मछली रहती है, जिस वजह से वो तालाब के बॉटम से भी सड़ी गली पदार्थ को खा लेती है, और मान लीजिए फाइटोप्लैंकटन सरफेस में ज़्यादा है तालाब की, तो वहाँ पर से भी वो फीड उठा लेती है। इस वजह से इसको फीडिंग कराना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तालाब के किसी भी पार्ट में आप फीड को रख दीजिए, ये मछली खा लेती है, है ना। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फीडिंग की, तो फीडिंग दो प्रकार से हम लोग खिलाते हैं, या तो वो कंपनी वाली फीड हो सकती है, या फिर आपके फार्म में ही हम लोग फार्म मेड फीड तैयार करते हैं, वो भी हो सकती है। तो मैं आपको फार्म मेड फीड को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा अगर आपके पास पैसे थोड़े से कम है, क्योंकि मॉडरेट फार्मर है जिनके पास पैसे थोड़े से कम है, वो कंपनी पर भी, सॉरी आपके फार्म पर भी रोहू मछली के लिए खाना तैयार कर सकती है। अगर बात करें कि आप घर पर ही आप रोहू मछली का खाना कैसे तैयार कर सकते हो, तो इसके लिए आपके पास ये पांच इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। पहला, आपके पास होना चाहिए सरसों की खली, बादाम की खली, आपके पास होना चाहिए मैदा, विटामिन मिनरल मिक्सचर, उसके अलावा आपके पास सोयाबीन की खली भी आप खिला सकते हो, बादाम की खली भी आप खिला सकते हो। तो ये पांच इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। अब बात करते हैं कि आखिर उसको कितने कितने अनुपात में आपको मिलाना है। अगर आप सरसों की खली के साथ राइस ब्रैन को मिलाते हैं तो 50:50 मिलाना है, और अगर आप बादाम की खली के साथ राइस ब्रैन को खिला रहे हैं तो बादाम की खली है दोस्तों वो आपके पास वो होना चाहिए 60% और राइस ब्रैन होना चाहिए आपके 40%। अगर आप सोयाबीन की खली के साथ राइस ब्रैन खिलाना चाहते हैं तो सोयाबीन 70% होना चाहिए उसमें, और जो राइस ब्रैन है दोस्तों वो 30% होना चाहिए। तो ये तीन रेशो हैं, इस रेशो के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग कि कौन सा फीड आपके पास उपस्थित है उसके हिसाब से आप फीड को मैनेज कर सकते हो। इसके साथ आपको 3% मैदा मिलाने हैं अपने फीड में और 1% विटामिन मिनरल मिक्सचर, ताकि आपका फीड है वो बैलेंस डाइट के रूप में आप मछली को सभी प्रकार की प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, सभी प्रकार की इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो मछली को मिल पाए। इसके अलावा किसान भाई, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि ठीक है हमने फीड को तैयार तो कर लिया, लेकिन उसको कितने बायोमास या फिर बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग खिलाना चाहिए, क्योंकि फीड का वेस्टेज को रोकने के लिए आपको मछली की जितनी जरूरत है उसी के हिसाब से हम लोग फीड कराते हैं। तो आपकी मछलियाँ फिंगरलिंग बच्चे अगर आपने स्टॉक किया होगा 12 से 15 सेंटीमीटर साइज का, तो 1 से 2 महीने तक आपको उसको 5% बायोमास के हिसाब से खिलाना है, ठीक है। और 3 से 4 महीने के बीच में दोस्तों आपको 3% बॉडी वेट के हिसाब से खिलाना है, और 5 से 12 महीने तक जितने मछलियों का आपको ग्रोथ लेना है, जितना बड़ा साइज तक करना है, उतने दिनों तक 5 से जितना बड़ा साइज आप करना चाहते हो वहां तक आपको 2% बॉडी वेट है, बायोमास है, उसके हिसाब से आप फीडिंग आपको कराना है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है, और मैंने बहुत जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट आपके लिए तैयार किया है ना। तो इसको गौर से देखिएगा और कॉपी पेन लेकर ही मेरा वीडियोस देखा करिए, इसको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे में कि आपको रोहू मछली को कैसे फिड कराना है, फिडिंग कराने का क्या तरीका है। तो दोस्तों इस तरीके को कहा जाता है दोस्तों रोप एन पोल फिडिंग, रोप एंड पोल फीडिंग, जिसको हम लोग डिमांड फीडिंग भी कहते हैं। इसमें हम लोगों को 3 चीज़ें चाहिए होती है, एक तो पॉलीथीन बैग, उसके अलावा रस्सी चाहिए, और उसके अलावा लास्ट में एक बंबू का बांस का एक पोल चाहिए। इसमें हम लोग करते क्या है, मान लीजिए हम लोग जितना भी फीडिंग हम लोगों ने तैयार कर लिया, मिक्स विक्स कर लिया फीड को, जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसको,
उसके बाद दोस्तों आपको एक पॉलीथीन बैग लेना है, परफोरेट, या फिर आप जो फिटिंग का बैग होता है ना, फिट बैग, उसको भी यूज कर सकते हो। तो आपको 20 किलो का एक फिट तैयार करना है, एक बोरी में उसको भर दे। आपको अपने एक हेक्टेयर के तालाब में 25 जगह वैसे बम्बू का पोल गाड़ना है, अलग अलग जगह में चारों तरफ अपने तालाब के, और उसमें बैग की सहायता से आपको फिटिंग को लटकाना है। प्रति बैग आपको 20 किलो फिट है वो तैयार करना है, और उसमें 4-5 जगह आपको छोटा छोटा होल करना है, जो आपके तालाब के जस्ट नीचे वो होल है वो रहेगा, जहां से मछलियां हैं वो जब भूख लगे उसको फीडिंग कर लेंगी। जितना भी फीडिंग आप कराते हैं, जितने भी बॉय मास के हिसाब से, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। फिर उसको आप दो टाइम अपने सुबह आप 11 से 12 के बीच में और शाम में 3 से 4 के बीच में, है ना, आप दो पार्ट में डिवाइड करके और दो टाइम आप फीड को खिलाएंगे। और आपका जो बोरा या फिर जो पॉलीथीन बैग खाली हो जाए तो उसको तुरंत आप अच्छे से बाहर निकाल करके धो लीजिए, सुखा लीजिए, और दूसरे दिन उसको अच्छे से पानी उसका सूखने के बाद ही उसका उपयोग करिए। और इससे होता क्या है दोस्तों, डिमांड फीडिंग से आपके फिट का वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और आपको ये भी समझ में आएगा कि जिस दिन मछलियाँ हैं वो आपके फीडिंग नहीं कर रही हैं, जिस दिन आपके बैग से फिट है वो खाली नहीं हो रहा है, कम कर रही हैं फीडिंग मछलियाँ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मछलियों में कुछ या तो बीमारियाँ हैं या फिर आपके वाटर पैरामीटर से दोस्तों वो सही शॉर्ट मेंटेन नहीं है। तो ये आपके फिट के वेस्टेज को भी रोकता है और मछली के हेल्थ पर भी ध्यान देता है, और आपको इंडिकेट करता है कि आपको मछली और पानी को अच्छे से ध्यान देना है और अपने फीड मैनेजमेंट को अच्छे से कंटिन्यू रखना है। प्रकार से आप बहुत कम खर्च में और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से और साइंटिफिक वे में आप रोहू मछली का बच्चा या फिर बड़ा जो ग्रो आउट करना चाहते हैं उसको आप तैयार कर सकते हो। बहुत ही चीप तरीका है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए सही, जो आपका मछली वाला भैया आपको हमेशा देते रहता है। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।